फिर से एक नई सुबह, एक नया दिन। एंड गाइस, मैं अभी घर के सामने बहुत सारे फूल लगा रहा हूँ। मुझे ना अपने घर के बाहर बहुत सारे फूल लगाने हैं। गाइस, मुझे मालूम है आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे फूल क्यों लगा रहा हूँ। बेसिकली गाइस, मुझे विलेजर को फूल दिखा के अपनी ट्रेड बहुत सस्ते में लेनी है। एक सेकंड, मेरे वहाँ पर पीछे क्या हो रहा है यार? ये विलेजर्स क्या करते रहते हैं? अरे इधर क्या हुआ गाइस? सुनो सुनो गांव वालों। हाँ किंग, बोलिए बोलिए। हाँ, हमारा एक स्पेशल आदमी बर्फीले पहाड़ों में फंस चुका है। उसको हमें 24 घंटे के अंदर अंदर बचाना है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो कौन यहाँ से उसको बचाने के लिए जाएगा? और जो भी जाएगा उसको बचाने के लिए, उसको मिलेंगे 1,00,000 एमराल्ड। गाइस, आपने सुना, ये किंग क्या बोल रहा है? एक स्पेशल आदमी पहाड़ों में फंस चुका है, अगर कोई भी उसे बचाता है तो उसे 1,00,000 एमराल्ड मिलेंगे। तो गाइस क्या बोलते हो, हम हाँ बोल दे क्या? नहीं नहीं, मैं जाऊंगा उसको बचाने। अच्छा बेटे, तेरे को जाना है क्या? हाँ मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अच्छा तू जाएगा? अच्छा अच्छा, तुम जाओगे? हाँ किंग, मैं जाऊंगा। मुझे भेज दो प्लीज, मुझे भेज दो प्लीज। ओके, एक काम करो, फटाफट से हेडक्वार्टर जाओ, वहाँ जाके सारी इन्फॉर्मेशन लेके आओ जल्दी से। चलो फटाफट से भागते यार हेडक्वार्टर, बट ये काम उतना भी आसान होने नहीं वाला। तो ये रहा गाइस वो सस्ता सा और घटिया सा हेडक्वार्टर, इसके अंदर हमें जाना होगा। यार चलते हैं यार, वैसे तो बहुत ज्यादा बेकार है एंड अंदर से यार वैसे सही है। और ये रहा वो कैप्टन जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। अच्छा तुम ही हो जो कि बचाने वाले हो उस आदमी को? हाँ मैं बचाने जा रहा हूँ उसे जल्दी से, एंड मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। हाँ वो तो मैं दे दूंगा, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी टाइम में तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है यार। वैसे यार ये मैप देखो, कितना बड़ा मैप है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा यार कहाँ का मैप है। एंड बहुत ज्यादा अलग जगह है यार ये, इधर पता नहीं क्या रखा हुआ है, कुछ अलग ही चीज है, इनको छेड़ते नहीं है। सुनो, तुम्हारे पीछे एक चेस्ट है, उसके अंदर बहुत सारा सामान है, वो ले लो तुम। इसके अंदर क्या है? वैसे यार आर्मर है लेदर का पूरा, जो कि हमें सरवाइव करने में मदद देगा। एंड यार खाना वगैरह सारा कुछ इन्होंने दे रखा है, एंड मैं भी यार पूरा तैयार हो चुका हूँ। और अभी चलते हैं यार, पहले इसको बाय करते हैं यार, बाय बाय। एंड चलते हैं यार, अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक जंग पे जाने वाला हूँ मैं। एंड लेट्स गो, चलते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होने वाली है अभी मेरे साथ। मुझे नहीं पता मैं उधर से वापस आऊंगा भी या नहीं, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ बर्फीले पहाड़ों में। चलते यार, बहुत ज्यादा लंबा रास्ता होने वाला है, उसके हिसाब से ही हमें खाना मिला है। 2 स्टैक ब्रेड मिले है यार, बहुत ज्यादा है। तो चलते यार जल्दी से, अभी तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, क्योंकि स्ट्रेट जाते ही हमें पहाड़ दिखने चालू हो जाएंगे यार, बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ बर्फीले पहाड़ों में यार, बहुत ज्यादा लंबा रास्ता रहा, एक स्टैक ब्रेड तो ही हो चुके हैं, बट हमें उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा यार जिसके लिए हम आए हैं। तो उसे जल्दी से ढूंढते हैं, क्योंकि वो ढूंढना बिल्कुल भी आसान है नहीं यार इन पहाड़ों में। और पता नहीं ये इस आइस में कैसे छुपा हुआ होगा, मुझे नहीं पता कुछ भी, हमें ढूंढना पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। देखते हैं किधर मिलता है वो। वैसे तो यार ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है मुझे इधर घूमते हुए, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है, बस पोलर बियर दिखे और कुछ भी नहीं। वैसे यार रात होने वाली है बहुत जल्द, तो मुझे कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा रहने के लिए रात को। और वैसे यार 24 घंटे का टाइम मिला था, अभी आधा दिन हो चुका है और बिल्कुल रात भी हो चुकी है गाइस, अभी मुझे कुछ ना कुछ रास्ता देखना पड़ेगा जाने के लिए। एंड यार मुझे समझ नहीं आ रहा, उधर यार इग्लू है वैसे, अबे इग्लू के पास चलते हैं एंड अंदर चाहे तो इसके। एंड लेट्स गो गाइस, तो मैं इग्लू के अंदर आ चुका हूँ एंड आज का मेरा काम तो हो चुका है, मैं इधर सो सकता हूँ आराम से। तो यार नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है मेरे साथ और उसे मैं बचा पाता हूँ या नहीं। तो यार गाइस आज की वीडियो इतना ही, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।